हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 18 सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में है। लेट्स सी व्हाट रोहन डज एवरी डे। देखते हैं रोहन क्या करता है रोज। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड देन गेट रेडी फॉर स्कूल। आई रीच द बस स्टैंड ऑन टाइम एट 7:30 AM। द स्कूल बस पिक्स मी अप एंड ड्रॉप्स मी एट द स्कूल। द वर्ड इन बोल्ड आर वर्ब्स एंड दे टेल अस व्हाट रोहन डज एवरी डे। All these verbs are in simple present tense. बेटा जो dark blue black color में हैं ये सारी verbs हैं और ये simple present tense में, और ये हमें बताती है कि रोहन रोज क्या करते हैं। We can see that in the simple present tense, हम देख सकते हैं कि हम simple present tense में we use the original form of the verbs। हम original form use करते verbs की, like जैसे wash, brush, reach। But in some places we add as like picks, drops। पर कुछ जगह पे हम एस यूज़ करते हैं जैसे पिक्स और ड्रॉप्स। रिमेंबर वी यूज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट आर आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट। बेटा हम ओरिजिनल फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जैसे कि, और उसके साथ साथ आई, आई सिंगुलर होता है बट सिंगुलर के साथ भी हम ओरिजिनल फॉर्म ही यूज़ करते हैं वर्ब की। आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा ओरिजिनल फॉर्म ही यूज़ होती है, उसमें एस और ई एस नहीं लगाया जाता। वी एड एस और ई एस टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी ही, शी, इट के बारे में बात करते हैं या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तब हम या थर्ड पर्सन जो भी होते हैं उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस। जैसे शी प्लेज। अंडरलाइन द वर्ब्स एंड सर्कल द सब्जेक्ट। आपको अंडरलाइन करना है वर्ब को और सब्जेक्ट को, सर्कल करना और फिर ये बताना है कि सिंगुलर है या प्लूरल। ईजी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बी, हमने कट कर दिया। सी के अंदर आपको प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना है। देखो सिंगर्स है तो सिंगर्स के साथ ये ओरिजिनल फॉर्म आई वर्ब की क्योंकि वो प्लूरल में था, तो जब हमने सिंगर्स को सिंगर में चेंज कर दिया तो वर्ब में एस ऐड हो गया। इजी था ना, समझ में आ गया। अब देखो ई एस वाली बात, मैन, मैन सिंग प्लूरल में है तो उसके साथ गो आया, पर मैन को जब सिंगुलर में लिखा हमने, मैन लिखा, तो वहाँ पे ई एस आया। क्लियर है। अब नीचे वाली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज डी में सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। ई वाली एक्सरसाइज में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स को कंप्लीट करना है। देखो अकॉबलर मेंट, यहाँ पे मैंट हमने कंप्लीट किया, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, मैंट्स, क्योंकि वो सिंगुलर, सिंगुलर में एस आता है। फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। वर्ब साइड में है कॉल, तो ही सिंगुलर है तो कॉल्स आया, मोनालिस सिंगुलर है तो कुक्स आया, दे प्लूरल है तो इसलिए वर्क आया। वी आर नो, नेगेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच हैव द वर्ड नो और नॉट इन देम। हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें नो या नॉट आता है। लेट अस रीड सम नेगेटिव सेंटेंसेस। कुछ नेगेटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है वो रीड करते हैं। आई कम अर्ली टू स्कूल, मैं स्कूल में जल्दी आता हूँ। आई डो नॉट कम अर्ली टू स्कूल, मैं स्कूल में जल्दी नहीं आता हूँ। ही कम्स अर्ली टू स्कूल, वो स्कूल जल्दी आया। ही डज नॉट कम अर्ली टू स्कूल, वो स्कूल जल्दी नहीं आया। दे कुक वेल, वो अच्छा खाना बनाते। दे डू नॉट कुक वेल, वो अच्छा खाना नहीं बनाते। शी कुक्स वेल, वो अच्छा खाना बनाती है। शी डज नॉट कुक वेल, वो अच्छा खाना नहीं बनाती है। क्लियर। देखो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे आई के साथ सिंगुलर है तो डू आया, आई सिंगुलर है, ही प्लूरल, ही थर्ड पर्सन में आता है, सिंगुलर आता है तो ही के साथ कम्स आया। तो जहाँ पे वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वहाँ पे डू के साथ बेटा डज हो जाएगा। डू की जगह क्या हो जाएगा, डज। और जो वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब होती है ये कम वाली, उसमें एस हट के कम आ जाएगा। देखो दे प्लूरल है, कुक आया तो डू आया। शी सिंगुलर है, कुक्स है तो डज आ जाएगा, डज नॉट कुक। ओके, अब नेक्स्ट देखो। ऐसे यहाँ पे यू प्ले, डू नॉट प्ले, ही प्लेस, डज, बसेस, रीच, बसेस, डू नॉट। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड डू नॉट टू द ओरिजिनल फॉर्म। बेटा जहाँ पे आई, वी, यू, दे होता है वहाँ पे डू नॉट आता है, डू नॉट ऐड हो जाता है वर्ब के साथ। जहाँ पे ही, शी, इट होते हैं
या कोई भी और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन में, उसके साथ बेटा डज आता है, डज और वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म हो जाती है। जी एक्सरसाइज से आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो मैम ने करके दिखा दिया। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं या वाई वाले क्वेश्चन होते हैं। एक तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यस और नो का आंसर होता है, किसी में वाई वर्ट हाउ डब्ल्यू एच वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि नमिता स्टडीज इन डी वी एस स्कूल, नमिता कौन से स्कूल में पढ़ती है, डी वी एस में। डज नमिता स्टडी इन डी वी एस स्कूल, क्या नमिता डी वी एस स्कूल में पढ़ती है, तो यहाँ पे हमारा यस आया या नो आएगा। वेयर डज नमिता स्टडी, नमिता कहाँ पढ़ती है, ठीक है, ये डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है। ये देखो नमिता सिंगुलर है तो डू की जिस जगह क्या आया, डज और वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ पे वेयर आया, नमिता सिंगुलर है तो डज आया और स्टडी वाली ओरिजिनल उसकी वर्ब की फॉर्म। क्लियर है?